अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ सरोपन अंसारी। देश के ज्यादातर हिस्सों में फिल्म पठान का बॉयकॉट करने की मांग लगातार बढ़ रही है। फिल्म का विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में दीपिका की भगवा बिकनी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। गुस्साए लोग कह रहे हैं शाहरुख खान की इस फिल्म का किसी भी थिएटर में प्रदर्शन नहीं होने देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक महिला निकलकर सामने आती है जिसने कुछ ऐसा कहा कि उसे सुनकर पठान का बॉयकॉट करने वालों के पास जवाब में देने के लिए कुछ नहीं बचा। कौन है ये महिला और ऐसा क्या कह गई, आइए देखते हैं। मेरा संतरा है भगवान, ये रहा हमने छिलका खाया, ये थूका, ये खाया, इसको खाया, क्या हुआ? ये भगवान नहीं है तो पैटर्न कराओ, इसको सारे भगवे खाएंगे, मुसलमान नहीं खाएंगे। और कहते हैं हरा कलम मुसलमानों का होता, अबे हराम खोरो, अगर हरा कलम मुसलमानों का होता मर जाओगे। पेड़ पौधे सब्जियां सारी हरी होती हैं। गाना लिखा हिंदू ने, फिल्म बनाई हिंदू ने, डायरेक्ट करी हिंदू ने, हीरोइन उसकी हिंदू, और पठान का बाइकॉट करेंगे। अगर शाहरुख खान ने ब्रा पैंटी पहनी हो तो करो उसका बाइकॉट, जब उसने पहनी तो बाइकॉट उसका क्यों? अरे इस फिल्म का बाइकॉट तो मुसलमानों को करना चाहिए। एक तरह तो तुम उसका नाम पठान ना दिया, फिर नंगी पुंगी लड़के ना चाह। आपने देखा वो एक परमन से जो 2 साल पहले का था, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना मैं जल समाधि लेकर मर जाऊंगा। अबे कम्बखत सही वक्त पे मर गया होता तेरी दूसरी पर्ची मना रहे होते हम, फिर उल्लू का। महिला के इस बयान के बाद अब देखना यह होगा कि पठान का बॉयकॉट करने वाले लोग कितने फीसदी कम होते हैं, कम होते भी हैं या नहीं, आपको ये भी बताएंगे। फिलहाल आप में से कौन पठान का बॉयकॉट करता है और कौन नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वेट कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस्ट चौराहा, मेरठ।